हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेसन नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द प्रॉपर टर्म फ्रॉम कॉलम ए एंड सी विद द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। ए बी सी की हमें मैचिंग करनी है प्रॉपर कॉलम में। ओके, अभी आंसर थैलोफाइटा, उसकी बी के मैचिंग है दिस प्लांट्स मेनली ग्रो इन वाटर, और उसी की सी मैचिंग है अल्गी। सेकेंड है ए में ब्रायोफाइट्स, बी मैचिंग है उसकी दिस प्लांट्स नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, और सी मैचिंग है मॉस। ए में थर्ड वन है पेटेरिडोफाइटा, उसकी बी मैचिंग है टिश्यू आर प्रेजेंट फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, और सी मैचिंग है उसकी फर्न्स। ए में फोर्थ वन एनोस्पर्म्स, उसकी बी मैचिंग नो नेचुरल कवरिंग ऑन सीड्स, और सी मैचिंग साइकस। लास्ट वन है एंजियोस्पर्म्स, उसकी बी मैचिंग सीड्स आर फॉर्म इन फ्रूट्स, और उसकी ही सी मैचिंग है टैमरिन। क्वेश्चन टू, कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन दोज स्टेटमेंट। फर्स्ट वन है ए डॉट डॉट प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी, तो आंसर है थैलोफाइटा। रीजन है थैलोफाइटा इंक्लूड्स अल्गी विच हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। बी वन डॉट डॉट इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, आंसर है ब्रायोफाइटा। रीजन है प्लांट्स बिलोंगिंग टू ब्रायोफाइटा ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन सिंस दे शेयर टू हैबिटेट्स सच एज सॉइल एंड वाटर दे आर कॉल्ड एम्फीबियस। सी वन एम पेटेरिडोफाइट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय डॉट डॉट फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय डॉट डॉट फॉर्मेशन, आंसर स्पोर्स गैमेट्स। रीजन है पेट्रोफाइट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स विच आर फॉर्म अलोंग द पोस्टेरियर और बैक सरफेस ऑफ द लीव्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज बाय फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। डी है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑफ डॉट डॉट आर बॉर्न ऑन डिफरेंट स्पोरोफाइल्स ऑफ द सेम प्लांट्स, आंसर जिम्नोस्पर्म्स। रीजन है ओनली इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट स्पोरोफाइल्स ऑफ द सेम प्लांट्स। क्वेश्चन थ्री, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब किंगडम फैनेरो गेम्स, आंसर आंसर में फर्स्ट नंबर पॉइंट प्लांट्स दैट बियर सीड्स आर कॉल्ड फैनेरो गेम्स। सेकेंड नंबर पॉइंट इन दिस प्लांट्स सीड्स आर फॉर्म आफ्टर रिप्रोडक्शन, आंसर में थर्ड नंबर पॉइंट दिस सीड्स कंटेन एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड, आंसर में फोर्थ नंबर पॉइंट द स्टोर्ड फूड इज यूज्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, आंसर में फाइव नंबर पॉइंट फैनेरोगेम्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स विच इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड आर इनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट। बी क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डायकॉट्स, आंसर मोनोकॉट्स में फर्स्ट नंबर पॉइंट फाइब्रस रूट, डायकॉट में फर्स्ट नंबर पॉइंट टैप रूट स्टेम अनब्रांच्ड, और डायकॉट में सेकंड नंबर पॉइंट स्टीम ब्रांच, मोनोकॉट में थर्ड नंबर पॉइंट लीव्स शो पैरेलल वेनेशन, और डायकॉट में थर्ड नंबर पॉइंट लीव्स शो रेटिकुलर वेनेशन, मोनोकॉट में फोर्थ नंबर पॉइंट फ्लावर्स विथ थ्री पार्ट और इन देयर मल्टीपल्स, और डायकॉट में फोर्थ नंबर पॉइंट फ्लावर्स विथ फोर और फाइव पार्ट्स और इन देयर मल्टीपल्स, मोनोकॉट में फाइव नंबर पॉइंट है एग्जाम्पल मेज बनाना वीट और ज्वार, डायकॉट में फाइव नंबर पॉइंट में एग्जाम्पल है सनफ्लावर मस्टर्ड बीन्स। क्वेश्चन सी है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड अबाउट द ऑर्नामेंटल प्लांट्स कॉल्ड फर्न्स,
Answer. Ferns are ornamental plants seen in gardens. They are called ornaments as they beautify wherever they grow. Since they are grown in garden, they do not bear flowers and fruits, but they bear different type of attractive leaves. They reproduce by spores which develop on the lower side of their leaflets in the form of sori. Sketch, label and describe the Spirogyra. Sketch करके label करके हमें describe भी करना है Spirogyra diagram. तो देखो ये है Spirogyra. Label कर दिया है मैंने. Description लिखो. First number point. Spirogyra is a green filamentous algae belonging to the division of Thallophyta. Second number point. It grows in fresh water. Third number point. Owing to the presence of chlorophyll, it synthesizes its food by the process of photosynthesis. Answer my fourth number point. It contains spirally arranged thread-like chloroplasts in its cells. Answer my five number point. In each chloroplast, there are a number of rounded bodies surrounded by starch. These rounded bodies are called pyrenoids. E question. Write the characteristics of the plant belonging to division Bryophyta. Answer. Answer my first number point. Plants belonging to the division of Bryophyta are called amphibious plants as they grow in moist soil but need water for reproduction, thus sharing two habitats. Second number point answer me. Plants are mostly thalloid. Exception hai mosses, multicellular and autotrophic. Answer my third number point. The plant's body of bryophytes is flat and ribbon-like without true roots. Instead of roots, they possess rhizoids. Third my fourth number point. They do not possess conducting tissue for the conduction of food and water. Answer my fifth number point. Was my examples say Ricea, Argentia, Anthoceras, Funaria, etc. Question number 4 is sketch and label the figure of the following plants and explain them into brief. ये सभी फिगर हमें स्केच लेबल करके उनको एक्सप्लेन भी कर लेना है. फर्स्ट है मार्चेंटिया. यह फिगर उसकी फर्स्ट नंबर. मार्चेंटिया इज द ब्रियोफाइट. Second number, Marchantia is called amphibious plants as it shares two habitats, which is soil for its growth and water for reproduction. Answer my third number point. It is flat ribbon like, long and without true roots, stem and leaves. Instead of roots, it bears rhizoids. Answer my final number point. It lacks conducting tissue which conduct food and water. सेकेंड नंबर फिगर हमें स्केच करनी है फ्यूनारिया. ओके फर्स्ट नंबर पॉइंट फ्यूनारिया इज द ब्रियोफाइट. सेकेंड नंबर आंसर में सेकेंड नंबर है फ्यूनारिया इज एन एम्फीबियस प्लांट. आंसर में थर्ड नंबर पॉइंट द प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनारिया डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम लाइक पार्ट्स लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक रिजॉइड्स. Answer my fourth number point. It develops a capsules on a stalk during favorable conditions. Answer my fifth number point. Spores are formed inside the capsules. The spores give rise to new plants. Ferns. Okay. Explanation hai uska. First number. Ferns are ornamental plants seen in gardens. Answer my second number. They are called ornamentals as they beautify the place wherever they grow. Answer my third number. Since they are grown in gardens, they do not bear flowers and fruits, but they bear different type of attractive leaves. Answer my fourth number point. They reproduce by spores which develop on the lower side of their leaflets in the form of sori.
अभी हमें स्पायरोगायरा की फिगर ड्रॉ करके स्केच करनी है, लेबल एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट नंबर पॉइंट, स्पायरोगायरा इज अ ग्रीन फिलामेंटस अल्गी बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। आंसर में सेकंड नंबर पॉइंट, इट ग्रोज इन फ्रेश वाटर। आंसर में थर्ड नंबर पॉइंट, ओविंग टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इट सिंथेसिस इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आंसर में फोर नंबर पॉइंट, इट कंटेन स्पायरली अरेंज थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट इन इट्स सेल्स। आंसर में फाइव नंबर पॉइंट, इन ईच क्लोरोप्लास्ट देयर आर अ नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज सराउंडेड बाय स्टार्च दीज राउंडेड बॉडीज आर कॉल्ड पायरेनॉइड्स। कलेक्ट अ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट अवेलेबल इन योर एरिया, ऑब्जर्व द प्लांट्स केयरफुली एंड डिस्क्राइब देम इन साइंटिफिक लैंग्वेज। फर्स्ट मैंने कलेक्ट की है हिबिस्कस, वो डाइकॉट प्लांट है। रूट टैप रूट, स्टेम इरेक्ट एंड ब्रांच्ड, लीप सिंपल अल्टरनेट रेटिकुलेट वेनेशन, कैलेक्स सेपल्स फाइ गैमेसेपेलस, कोरोला पेटल फाइ गैमेपेटलस एंड्रोसियम, स्टीमेन इनडेफिनाइट फिलामेंट्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म अ स्टेमिनल ट्यूब। द स्टेमिनल ट्यूब बियर्स रेनिफॉर्म किंडेन शेफ एंथर्स। गाइनोसियम है एंटाकार पेलेरी टीन कार्पस। सेकेंड ऑनियन एलियम सेपा, इसकी फिगर है, अभी एक्सप्लेनेशन देखो। अ स्मॉल हर्ब विथ ट्यूनिकेटेड बल्ब, रूट है फाइब्रस, स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम बल्ब, लीव्स हॉलो एंड ट्यूबुलर, फ्लावर कंप्लीट बायसेक्सुअल पेरियंथ मेड अप ऑफ सिक्स लोब्स अरेंज इन टू ओल्स ऑफ थ्री ईच। एंड्रोसियम है मेड अप ऑफ सिक्स स्टेमेंस इफिफाइलस। गाइनोसियम है ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस ओरी सुपेरियर। क्वेश्चन सिक्स, विच क्राइटेरिया आर यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एक्सप्लेन विथ रीजन। आंसर, द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट नंबर पॉइंट है, देर आर टू सब किंगडम्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विच इज गाइनोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। इफ प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स दे आर नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। कॉन्ट्ररी टू दिस, इफ दे बियर फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स दे आर सीड बियरिंग प्लांट्स। आंसर में सेकेंड नंबर पॉइंट है, प्लांट्स दैट आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टू ऑर्गन्स लाइक रूट स्टेम लीव्स आर कॉल्ड थैलोफाइटा। आंसर में थर्ड नंबर पॉइंट, अनदर क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। प्लांट्स सच एज टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म विच पासेस कंडक्टिंग टिश्यूज आर इंक्लूडेड अंडर वास्कुलर प्लांट्स, वाइल ब्रोफाइट्स एंड थैलोफाइट्स विच डू नॉट पासेस वास्कुलर टिश्यूज आर इंक्लूडेड अंडर नॉन वास्कुलर प्लांट्स। फोर नंबर पॉइंट है, प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन टू टू ग्रुप्स विच इज सीड बेरिंग एंड नॉन सीड बेरिंग प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ सीड्स। आंसर में फाइव नंबर पॉइंट है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। आंसर में सिक्स नंबर, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स इन सीड्स प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इयत्ता नववीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।